नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम निम्न असाइनमेंट का सोल्यूशन कर रहे थे। सेल एंड बैटरी का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका था, आज सेल एंड बैटरी का सेकंड सेशन रहेगा। इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करूँगा उसको। तो फ्रेंड्स, आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार आया हो चैनल पे वो भी ख़ास तौर पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा सेशन सेल एंड बैटरी को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान घनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। हमने पहले आपने जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसमें हमने ऋणात्मक पूछा था, ऋणात्मक का क्वेश्चन किया था उसमें कि नेगेटिव प्लेट पे क्या आता है। तो नेगेटिव प्लेट पे क्या आता है, स्पंज लेट आता है नेगेटिव प्लेट पे ना, तो ये स्पंज लेट तो नेगेटिव प्लेट पे आता है। तो इसका देखते हैं, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस जल। तो इसका आंसर होगा ये लेड पेरोक्साइड PbO2 ही पॉजिटिव प्लेट पर होता है, वहीं अगर नेगेटिव प्लेट का होता है तो स्पंज लेड PbO होता है। ठीक है, ये इसका होता है लेड एसिड सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। जैसे बैटरी चार्ज होती है तब उस टाइम पर हम वेंट प्लग होता है उसको हम क्यों खोल के रखते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु, ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए जाने देने हेतु, विद्युत घपट अपघटे का स्तर जांचने हेतु, और प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु ना। तो हम वेंट प्लग का इस्तेमाल हम जब वो चार्ज हो जाता है ना, तो उस टाइम गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए हम वेंट प्लग का इस्तेमाल करते हैं बैटरी आवेशन के दौरान। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए हम वेंट प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बैटरी में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित करने के लिए। इसका भी हमने फर्स्ट सेशन में किया था, उसमें हुआ था कि कम समय में अधिक धारा प्रयोग होता ना, तो लंबे समय तक हम किस लिए किए जाते हैं, उसको हम दिष्टकारी विधि कहते हैं, ट्रिकल आवेशन विधि कहते हैं, नियत धारा विधि कहते हैं, नियत विभव विधि कहते हैं। तो हम उसको ट्रिकल चार्ज विधि कहते हैं, जिसमें हम कम समय पर अधिक धारा को, और इससे ट्रिकल चार्ज से हम कौन सा दोष दूर करते हैं, सल्फेशन दोष। इससे ट्रिकल चार्ज विधि से सल्फेशन दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका ट्रिकल चार्ज विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, तो कैसे जानते हैं, नए विद्युत अपघटे से बदलकर, नए इलेक्ट्रोल से बदलकर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके हम क्या करते हैं। तो शेष अभी हमने फर्स्ट उसमें किया था, इससे पहले क्वेश्चन में, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कर रखा है कि सल्फेशन दोष को हम कैसे ट्रिकल चार्ज विधि से करते हैं। तो कैसे गए, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करने के ही हम सल्फेशन दोष को दूर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, तो कैंसर करते हैं, देखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी मतलब कौन सा होता है, ये पता है आपको, ये प्राथमिक सेल होता है। ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं, जस्ता, तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड। तो हम नेगेटिव प्लेट में हम जस्ते को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिंक का हम इस्तेमाल करते हैं जस्ता का, जस्ता में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है देखते हैं, ऑप्शन देख लें, 0.001182 मिलीग्राम प्रति कूलम, 0.01182 मिलीग्राम प्रति कूलम, 0.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जिसमें आप डी ऑप्शन देख रहे हैं, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है इसका रासायनिक तुल्यांक, और रासायनिक तुल्यांक का मात्रक भी क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ऑप्शन देखते हैं, स्पंज लेड, लेड पेरोक्साइड, लेड सल्फेट और लेड सल्फेट प्लस जल। इसमें क्या है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन मतलब डिस्चार्ज पे हम क्या आता है, लेड सल्फेट PbSO4 होता है, ठीक है, दोनों प्लेटों पे लेड सल्फेट हो जाता है डिस्चार्ज के डिस्चार्ज पे ना, अगर चार्जिंग करता है तो नेगेटिव पे तो स्पंज लेट आता है और पॉजिटिव पे लेड पेरोक्साइड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है, विभाजक का हमें कि क्या उपयोग किया जाता है सीसा अम्ल बैटरी में? तो ऑप्शन देखते हैं, विद्युत अपघटन हेतु रास्ता प्रदान करना, घनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, घनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपतन होने से रोकना, घनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को व्यवस्थित करके तरीके से रखना। तो विभाजक का हम क्या करते हैं, घनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपत होने से बच मतलब विभाजक का क्या करते हैं हम, जिसे शॉर्टकट सर्किट से बचाता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, वो शॉर्ट सर्किट सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सी ऑप्शन है, इसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा वेट करना एक मिनट, कुछ थोड़ा देखते हैं। हाँ ये आ गया, ये विभाजक का किया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये दे रखा है इसमें, ये सीसा, इसमें सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हम किस का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर का हम इसमें उपयोग किया जाता है, विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, इसका देखते हैं, अब इसको देखते हैं कि कौन सा दे रखा है इन्वर्टर, ठीक है। तो ये SCR यूज़ इन्वर्टर दे रखा है इसमें आपको, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल शेल
में बकलिन दोष क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रॉन का मुड़ जाना, विद्युत अपघटन की शक्ति को कम करना, प्लेटों के मध्य लघुपतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो क्या होता है बकलिंग दोष से? बकलिंग दोष में प्लेटों का मुड़ जाना है, मतलब प्लेट मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप व्हाट इज़ द टोटल वोल्ट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, फर्स्ट में दे रखा है 1.15 वोल्ट। इसमें आप सिग्नेचर साइन देखिए, ये 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, लेकिन इसमें प्लस माइनस दे रखा है, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस प्लस दे रखा है, या प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। तो एक को हम काटेंगे, आप सिग्नेचर देंगे, तो इसका 1.5 वोल्ट आएगा, ठीक है? क्योंकि एक अब साइन अपोजिट है, तो एक साइन का साइन ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेल अगर इस तरह होते हैं तो एक साइन कट जाएगा, इसलिए 1.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हिंदी में आ जाते हैं वापिस। शुष्क सेल में घनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में घनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हमें क्या प्रयोग किया जाता है? जस्ता, कार्बन, तांबा या लिथियम? तो कार्बन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? तो भार बढ़ने से सेल के सिरों में वोल्टेज पर क्या होगा? तो भार बढ़ने से सिरों के वोल्टेज पे, तो मतलब भार बढ़ेगा जैसे ही, तो सिरों के वोल्टेज का भी घट जाता है वो, क्योंकि वो जैसे भार बढ़ता है तो वोल्टेज, सिरों पर वोल्टेज घट जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा वो, ठीक है? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोक सकते हैं हम? सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, विद्युत वंजक का उपयोग करके, सेलों को समांतर में संयोजित करके, जस्ता प्लेटों पर अम्लगम करके। तो हम कैसे रोक सकते हैं इसको? तो हम मतलब वो स्थानीय क्रिया दोष में क्या होता है, जब लेड पर क्या होता है, ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसके कारण उसमें उसका जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो घट जाता है, मतलब प्लेटों का। तो उसको दूर करने के लिए हम लेड प्लेट पर जस्ते की प्लेट पर अम्ल का लेपन करते हैं, उसी को हम अम्लगेशन कहते हैं। तो जस्ते की प्लेट पर अम्लगम करने के हम स्थानीय क्रिया दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, m = z / it सूत्र में z
अक्षर किसे इंगित करता है? तो ये एक तो ये फेराडे का क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है ना, उसमें क्या होता है, एम इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है, जेड आई टी होता है, जेड में होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई इज इक्वल टू धारा, और टी क्या होता है, टी होता है ये समय जो सेकंड में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, टी को क्या, जेड को क्या इंगित करते हैं, तो विद्युत अवघटे का इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, तो बिल इसका बिल्कुल सही होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही इसका जेड को डिनोट करता है, ठीक। और एम एम क्या करता है, एम में होता है द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? 0.39 मिलीग्राम प्रति कूलम, 0.39 गुलाम प्रति कूलम, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, 1.11282 ग्राम प्रति कूलम। तो ये होता है क्या, 0.39 मिलीग्राम प्रति कूलम ही तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण होता है, कौन सा है, कोस का कारण कौन सा है बकलिंग दोष को, ठीक है, अति आवेशन या अति निरावेशन, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, प्लेटों के गिरने वाले अवशोधों का बनना, बैटरी को लंबे समय तक निरावेश स्थिति में रखना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैटरी को आवेशन या अति आवेशन की, तो उससे ही हम बकलिंग दोष होता है, जैसे 25 एम्पियर से हमें उच्च दर पर आवेशित नहीं करना चाहिए, और 6 एम्पियर की उच्च दर से हमें निरावेश से कम दर पर हमें निरावेशित नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका आंसर था, फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज नापते हैं, मल्टीमीटर से हम वोल्टेज और प्रतिरोध और धारा को माप सकते हैं, मल्टीमीटर हाइड्रोमीटर से हम बैटरी की चार्जिंग की अवस्था जांच सकते हैं, और उच्च दर टेस्ट निरावेशन टेस्ट उससे कुछ नहीं है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो कौन सा हिस्सा खो रहा है, कैथोड, एनोड, विद्युत अपघटे या विभाजक। तो क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं कि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है, जिसके कारण ही इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान यही अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एनोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, अपने आज के क्वेश्चन में वैसे इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।